नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों, तस्वीरों में आप एक युवक को, लड़के को देख पा रहे हैं, नाम संदीप। और कुछ ही समय पहले आपको बता दें, संदीप जो कि चुगामा गांव का रहने वाला है, इस समय उनके जो परिजन हैं आप देख सकते हैं यहां पर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी कि जब संदीप अपने दोस्तों के साथ रात को जाता है एक जगराते में, और उसके बाद जो है नहर किनारे उसे ले जाया जाता है, जिसके बाद पांव फिसलने की बात सामने आती है। बताया जाता है कि पांव उसका फिसल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन परिजन आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाते हुए साफ तौर पर जो है बता रहे हैं कि पांव उसका नहीं फिसला बल्कि उसकी हत्या की गई है। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। और यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले उनके पिता से, संदीप के पिता से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले बात तो ये आई थी कि वहाँ पर पांव फिसल गया है, कुछ दोस्त उसे लेकर गए थे, बाद में जो है फिलहाल आपका आरोप अब ये है कि उसकी हत्या की गई है। क्या कुछ लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या नाम है आपका? धर्मपल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिला सचिवालय के बाहर बैठे हो आप, काफ़ी जो है समय फिलहाल हो गया है, लेकिन अभी तक क्या उसमें क्या कार्रवाई आप चाहते थे जो अभी तक नहीं हुई है, आपको बैठना पड़ रहा है यहाँ? ये बात किसने कही भाई, ये पैर फिसलिया? ये शायद उसी समय में कुछ लोगों ने शायद बोला था जो दूसरे पक्ष के थे, आई थिंक। नहीं नहीं, पैर नहीं फिसलिया उसका, हमने तब की एफ आई आर यही कराई थी, उन्होंने इसकी हत्या की है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें आपने क्या कुछ लोगों के कोई नाम भी कोई एफ आई आर में दर्ज करवाए थे आपने? दो आदमियों के नाम दर्ज कराए थे, करवा दिए थे। दोस्तों को करवाए थे? नहीं नहीं, चांदराम है और उसका लड़का सागर है, दोनों के नाम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है, आपने पुलिस में क्या कार्रवाई अभी तक की है? कार्रवाई कोई नहीं हुई पुलिस की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, नहीं। तो आप और क्या कारण क्या मानते हैं, क्या कारण है? यहाँ पर कोई तांत्रिक विद्या की बात जो है सामने आ रही है कि उसके अंदर जो है क्यों क्यों ऐसा करेंगे, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसमें? उसी के जरिए किया है उन्होंने, जो भी किया है उसने मेरे बच्चे के साथ। रात को मैं 12 बजे क्यों लेके गए मेरे बच्चे को, क्यों लेके गए वो बच्चे को 12 बजे रात को, और जागरण का बहाना बना के बुलाया, वहाँ चौकी चल रही थी, वहाँ पर उसका कोई काम नहीं था, वहाँ उसका क्या काम था? अगर कोई, मैं उसको इलाज कराने जाता, मैं जाता साथ में, मेरी घरवाली जाती साथ में, कोई तो होता ना परिवार का उसका, तो फिर उसको उसके हाथे हाजिरी जुआएगी, और आगे कर दे इसको, और आगे कर दे, जब तक डूब नहीं गया वो, जब तक वहाँ मस्सा देखते रहे खड़े, उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। फरार हो गए थे वहाँ से सबके साथ? जी जी हाँ। आप क्या लगते हैं संदीप के? हाँ, बाबा जी लगे। अच्छा, जैसा वो बुलाया नहीं ना, क्या पहले 8 बजे के करीब बुलाया, 8:30 बजे करीब, क्या पता 7-8 फोन करके उसका, चलो वो चले गया, जागरण का नोले का बुलाया जी वहाँ से, और जागरण वहाँ था नहीं, चौंकी लग रही थी वहाँ, अंदर ही अंदर थे जो भी थे, कमरे में थे। तो उसके बाद वो लड़के ना, उसकी तो कोई मतलब नहीं था चौंकी बैठने के, ऊपर बैठ गया चुबारे का। अच्छा, हाँ, 11:30 बजे जिस वक्त तू ना कोई करख्या था बना, वो उसे प्रसाद प्रसूद खड़ाया कहीं जी, पर्दे माँ प्रसाद खड़ाया। अच्छा, प्रसाद खड़ा गया 11 बजे के करीब, 11:30 बजे उसने जमने में लेकर गए, उसने कहा भी नीचे उतर, गाड़ी तैयार है, वह सवारी तैयार आगा। जी जी, हाँ सवारी तैयार आगा। हाँ जी, और जी फिर उन्हें वह जमना पर लेकर जहाँ जी, जमना पर लेकर जहाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं था, वो आगा क्यों वहाँ हाजिरी कहा दी पहली बात उसको, आगे क्यों किया? हाँ क्यों कराया? पहली बात तो यह, जो उनका पानी जो है ना, उनका घाट है तो वहाँ कम है पानी, उन्हें उस चीज़ का पता था, वहाँ सी रोड बन गया, रोड बनने के वजह से पुल बना रहे, वह कच्चा पुल, ठीक है, वहाँ बम्बे दाब रखे, और बम्बे के अलावा ज़्यादा पानी हो रहा, ठीक है, तो वहाँ बढ़िया उन्होंने, ठीक है। हाँ जी, ये बात हुई हमारे साथ यहाँ पे। और जी जी, और फिर और होया, फिर ऐसा होया जी, अब चलो एक बच्चा था हमारा, वो तो जिस वक्त तो गिरा या धक्का दिया जो भी होया, जी जी, वो तो रह गया, एक छोरा रह गया वहाँ, और वहाँ गए भाग, यानी वह 7-8 जने थे, जब वहाँ काटने की कोशिश करते तो वो न काट सकते। बता दें यहाँ पर सोनिया तवर वकील है हमारे साथ में। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? काफ़ी दिन हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक परिवार जो है वो न्याय मांग रहा है, आपको फिलहाल क्या लगता है इस मामले में, और अभी आगे क्या कुछ परिवार जो है अभी आगे कह रहा है जिसमें कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? सर, ये एक स्क्रीनशॉट है, और इस स्क्रीनशॉट पे जो सागर है वो उस लड़के को क्लियरली ये कह रहा है कि तेरी पटकी क्या नीचे आ, सवारी तैयार है, ये मतलब उसी के वर्ड है सागर के, ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ये हम ये स्क्रीनशॉट है, इसमें कुछ थोड़ी सी गाली गाली, ये साफ है।
तो ये इसमें कौन किसको क्या कह रहा है? ये सागर का नंबर है, ये हमारा लड़का बात कर रहा है, हमारे लड़के ने बोला कॉल मी, तो उसके बाद इसकी ये ऊपर बैठा हुआ है, इन्हीं के घर के ऊपर बैठा हुआ है। ये संदीप का ही है? ये संदीप का मैसेज है, ये संदीप के मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। और ये देखो आप, ये देखो कौन सी सवारी चल रही है, और इसके तुरंत बाद ही उनकी वो हो जाती है, वो क्या बोलते हैं, वहाँ गए हैं ये लोग रात को। और सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 बाइक नजर आ रही है, जिसपे 8 लोग जा रहे हैं। आधे घंटे के बाद वही बाइकें वापस आ रही हैं, लेकिन 2 लड़के कम आ रहे हैं, 2 लड़के वहीं पे ही रह जाते हैं, जिसमें से एक अगर उसके जुत्ते भी साथ गिरेंगे, उसके जुत्ते भी साथ गिरते, लेकिन इसके जूते घर पे ही उतरवा लिए, इसके हाथ में एक लोहे का कड़ा था वो भी घर पे ही निकलवा लिया, वहाँ पे वो नंगे पैर गया हुआ है, जिसकी वजह से डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात सर, जब अगर 8-10 साथी कहीं पर जा रहे हैं, और अगर किसी एक साथी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि भाई वो कम से कम 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन तो करें, लेकिन वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिससे थोड़े ज्यादा बढ़ गए। जिस लड़के ने इसको बचाया, शिवा नाम है उसका, शिवा के फादर के पास रात को 12 बजे किसी महिला का फोन आता है, और वो ये कहती है कि आपका बच्चा नहर में गिर गया, जबकि शिवा तो नहर में गिरा ही नहीं, तो वो महिला को कैसे पता वो महिला कौन है? अभी तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसकी वजह से क्या लग रहा है, अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई है क्या इस बारे में? एसपी साहब से 4 दिन पहले परिवार मिला था, उन्होंने कहा था कि हमने CIA 1 को ये इन्वेस्टिगेशन दे दी है, लेकिन आज CIA 1 कह रहा है कि हमें तो ये केस आज ही मिला है। तो सर अगर इतना डिले आप करोगे तो परिवार को कैसे सेटिस्फेक्शन? मतलब एक इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक होनी चाहिए थी, चीजें साफ हो जाती। कुछ भी नहीं सर, अभी तक वो जो जिस महिला ने फोन किया उसके बारे में आई विटनेस, जो लड़का मौके पर शिवा मौजूद था, उसकी स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर परिवार जो है वो चाह रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। हालांकि जिला सचिवालय ठीक सामने पड़ता है, देख सकते हैं गांव के सभी जो लोग हैं चंद्राओं के यहाँ पर पहुँचे हुए, आसपास के गांव के लोग भी चुगामा के पहुँचे हैं, और यहीं पर फिलहाल जो न्याय की यही मांग कर रहे हैं कि संदीप को आखिर किसने मारा है ये सामने आना चाहिए। अगर मारा है तो वो अभी तक पता लग सकता था, अन्यथा कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कम से कम ज़रूर होनी चाहिए थी, जो अभी तक परिवार वालों को कहना है इसमें नहीं हुई है। हालांकि अभी फिलहाल ये ज़रूर कहना है कि मैम अभी आज कोई बात हुई है अभी फिलहाल कोई आज किसी अधिकारी नहीं, बस से उनकी यही बात हुई थी कि भाई आप किन पॉइंट्स पे बात करना चाहते हो, वो पॉइंट्स हमने लिख के रखे हैं, अभी आए हैं DSP साहब, CIA 1 इंचार्ज भी आए हैं, अभी देखते हैं ये लोग, हम इनको दे रहे हैं कि भाई क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करने की इनको ज़रूरत है। बाकी परिवार के लोगों का यही कहना है कि भाई हम तब उठेंगे जब गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक जो है यही मांग इनकी हो रही है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर जो है फिलहाल होनी चाहिए थी। देख सकते हैं मौके पर जो अधिकारी हैं फिलहाल वो ज़रूर पहुँचे हुए हैं सभी परिवार वालों से बातचीत करने के लिए कि आगे इसमें क्या कुछ जो है वो चाहते हैं, तो तसल्ली बख्श जो आगे कार्रवाई वो की जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर परिवार की मांग है तो ज़रूर होनी भी चाहिए, क्योंकि आखिर सवाल है तो एक जवान मौत का, एक बेटे का जिस तरीके से वो नहर के अंदर जो है डूब जाता है, और इसके बाद बात आती है कि वो डूब गया, लेकिन यहाँ पर परिवार वालों का आरोप है कि जिस तरह के हालात तो फिलहाल यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो अधिकारी हैं मौके पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं। सर परिवार वाले सर क्या कुछ कह रहे हैं सर अभी फिलहाल, क्या है मौके पर लेकर जाएंगे सर अभी फिलहाल वहाँ पे? अभी दरखास्त हमारे पास दरखास्त इन्होंने तब दी थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं, दिवाली को भी काफ़ी दिन निकल चुके हैं ना अभी। जी जी, अभी जो क्वेरीज है वो पूछेंगे ना, उस पर FIR दर्ज कर ली गई है, जो पहले कंप्लेंट थी उस पर FIR दर्ज है। ठीक है, अब उसमें आगे क्या क्वेरीज चाहते हैं वो दोबारा से पूछेंगे, अभी कंप्लेंट दी है तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल वो भी करेंगे सर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, SIT बन गई है, नाम लिए जा रहे हैं, SIT बन गई है, जो जिसके खिलाफ कुछ साक्ष्य आए तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। तो अभी आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर करें, लोग जिला सचिवालय के सामने सुबह से यहाँ पर जो है बैठे हैं और यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई है वो ज़रूर की जाए, और अभी उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं जो CI के जो इंचार्ज हैं, अन्यथा सभी जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो गांव की सभी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर जो है फिलहाल पहुँची हुई हैं। देख सकते हैं संदीप की तस्वीर लेकर यहाँ पर, संदीप जिसकी उम्र महज बिल्कुल बहुत कम थी, अभी तो बहुत सारे जो सपने थे वो परिवार ने ज़रूर संजोए हुए थे, उनकी जो परिजन है उनसे बात करते हैं। माता जी उनकी क्या नाम है आपका, और ये क्या कुछ कहेंगे अभी, मतलब कार्रवाई के लिए आपने मतलब बोला था और अभी तक कुछ क्या कुछ लग रहा है अभी क्या हुआ है? मेरा नाम सरोज है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी मेरे बच्चे की, वहाँ गया था जी धक्के दे
फोन कर कर कब लाया जिसने। तो आप देख सकते हैं उनके परिजन यहाँ पर हैं। और आप बहन हैं संदीप की, क्या कहना चाहेंगे अभी, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से इस बारे में? इंसाफ दिलाया जाए मेरे भाई को, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मेरा भाई तो चला गया है, इंसाफ तो मिलना चाहिए ना उसको, बस इंसाफ चाहिए हमें तो, और नहीं कुछ भी चाहिए। इंसाफ चाहते हैं, पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उन दोनों को भी पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे उनको, बस हमें यही चाहिए। तो यहाँ पर जो तंत्र विद्या की बात आ रही है सामने, ये क्या चीज़ है? क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी थी संदीप की, या क्या कुछ लग रहा है? कोई वो नहीं था उसका, कभी ऐसी इन बातों पे तो विश्वास भी नहीं करता था वो कभी। वो तो दोस्ती में ही बस धोखा दिया उसको, तो दोस्ती में बुलाया, फिर उसको थोड़ी पता था कि मेरे साथ इतनी बात हो जाएगी। वो तो एक दोस्ती के नाते गए था भरोसा करके, उसको नहीं पता था कुछ भी ऐसा होएगा आगे, फिर आगे उन्होंने धोखा दिया, हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं उनकी जो बहन है वो यहाँ पर हैं संदीप की, और सभी परिजन दूसरी तरफ जो पिता हैं उनसे हमारी बात हुई है। फिलहाल यही उम्मीद करते हैं कि परिवार जिस तरीके से आगे कार्रवाई की मांग जो है वो कर रहा है, कि आगे कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल जिला सचिवालय के बाहर ही बैठे हुए हैं अपने हाथों में संदीप की तस्वीर को लेते हुए, जैसा कि आपको हमने अभी दिखाया। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। अभी फ़िलहाल मौके पर पुलिस भी मौजूद है, CIA की जो टीमें हैं वो भी अभी हैं, और अभी मौके वारदात पर जाकर सभी चीज़ों को फिर अब जाकर देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले को दिन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये दिवाली के आसपास की घटना है, और फिलहाल उम्मीद करते हैं परिवार जिस तरीके से चाहता है ये कार्रवाई उस तरीके से फिलहाल हो जाए, ताकि परिवार की भी कहीं ना कहीं तसल्ली बख्श हो जाए, और ये भी ज़रूर सामने आ जाए कि क्या ये वाकई में ही कोई अचानक से होने वाला कोई हादसा है, या फिर ये कोई हत्या है। तो आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।